चिराग पासवान जी तो बार बार यही कहते थे कि मोदी जी के वो हनुमान है, भक्त हैं, नाराज क्यों हो गए? आपको लगता है कि हनुमान राम से कभी नाराज हो सकता है? नहीं लगता है, तभी तो सवाल पूछ रहा हूं। देखिए ये लोगों का परसेप्शन है, आप एक बात याद करिए कि मंच पे नहीं जा रहे हैं सर, वो जो एनडीए के कार्यक्रम हो रहे हैं मंच पर जब नहीं जा रहे हैं तो सवाल तो पूछा जाएगा। नहीं ऐसा नहीं है, कौन सा मंच आपको लगता है जो हमारे लिए? नहीं मोदी जी के मंच पर हमेशा रहते हो। अभी कहाँ रह रहे हैं? कौन सा मंच की आप बात कर रहे हैं? आज भी कार्यक्रम है। आज कार्यक्रम में देखिए, आज भाजपा की सरकारी कार्यक्रम, इस चीज को पहले समझिए। और भाजपा का सरकारी कार्यक्रम कहाँ होगा? अब चुनाव का समय है, चुनाव की समय है, चुनाव की जब घोषणा होगी चुनाव का कार्यक्रम होगा, और चिराग पासवान आपको हर एक जगह मोदी जी के बगल में दिखाई देंगे। लड़ना चाहते हैं हाजीपुर से ही? हाजीपुर से ही हमारे नेता चिराग पासवान लड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो जब वो लड़ेंगे तो फिर कैसे लड़ेंगे पशुपति जी? फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना, ये घर की जो लड़ाई है उसमें नुकसान हो जाएगा एनडीए का। ये किसने बताया है कि वो एनडीए में है? जब वो आए थे एनडीए के समर्थन करने के लिए, हमारे नेता ने आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने समर्थन किया था, उनका स्वागत किया था। आज जो ये रामविलास पासवान जी की विरासत है, पद्मश्री से सम्मानित आदरणीय रामविलास पासवान की जो विरासत है, उस विरासत को आपने देखा होगा कि 2019 में आप जमुई थे और यहां से पशुपति कुमार पारस उम्मीदवार बनाए गए और बड़ी बड़ी अखबारों में खबरें छपी भी, विज्ञापन आया आदरणीय रामविलास पासवान जी का कि ये विरासत पशुपति कुमार पारस ही हाजीपुर को संभाल सकते हैं, यही चुनाव जीतेंगे। और 2019 में इसीलिए पशुपति कुमार पारस जी को टिकट मिली। और आज सवाल कहाँ उठता है चिराग पासवान जी का? चिराग पासवान जी का सवाल ही नहीं उठता है, यहाँ से ये कह रहे हैं कि हमारे संस्थापक आदरणीय पद्मभूषण रामविलास पासवान जी, अभी बात हो रही है विरासत की, आप याद करिए सबसे पहले विधायक हमारे संस्थापक अलौली से बने थे, और उसके बाद जब लोकसभा में वो आए तो उन्होंने अपने छोटे भाई वहाँ भी विरासत अलौली में देने का काम किया था। तो अलौली से भी अगर पशुपति पारस जी को भी ये बताइए, सुनिए आप दोनों से एक सवाल है, आप दोनों से है, जल्दी से छोटे, हाँ छोटे सुन लीजिए। तो अलौली से भी अगर विरासत देने की काम की गई आदरणीय रामविलास जी के द्वारा, स्वर्गीय नेता हमारे संस्थापक के द्वारा, पिछले बार रामविलास जी की तबीयत अच्छी नहीं थी, वो चुनाव लड़ने में उस समय कहीं ना कहीं सक्षमता नहीं हो रही थी, तो उन्होंने अपने भाई को यहाँ हाजीपुर से उतार दिया। और ये जो इस बार उनके बेटे को लड़ना चाहिए, ये जो बात होती है कि मेरे अंगने में तुम्हारा काम है, किसका अंगना है जी? ये हाजीपुर की जनता की अंगना है और हाजीपुर की जनता चाहती है। तो जनता के अंगने में, एक मिनट सुनिए सुनिए, आप लोग भी सुनिए, एक सवाल मेरा है कि अगर यह जनता का अंगना है और इस झगड़ा को खत्म करना चाहते हैं आप लोग इस झगड़े को, तो क्यों नहीं किसी जनता से ही इसमें चुनाव लड़वा दिया जाए, कोई आम कार्यकर्ता लड़ जाए रामविलास पासवान जी के परिवार के बजाय, कोई आम कार्यकर्ता? नहीं, ये सवाल हमारे नेता की है। हमने संकल्प किया है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी कि रामविलास पासवान के सपनों को साकार करना है। कोई आपकी पार्टी का आम कार्यकर्ता नहीं कर सकता है सपना साकार? जो भी करेगा वो रामविलास परिवार पासवान जी के परिवार से ही हो। कि हमारे लोकप्रिय सांसद हाजीपुर के आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ही इस विरासत के मालिक हैं और जनता मालिक है। देखिए लेकिन एक बात बताऊं, इस लड़ाई में ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आरजेडी मजे ले रही है, तेजस्वी यादव जी ने ऑफर दे दिया चिराग जी को। ये जो सर आपने अभी देख रहे हैं कि मोदी जी के मंच पे ये लोग नहीं है, ये जो अभी ये जो रैली हुई थी तेजस्वी यादव की, ये उसका असर है। ये जो नौकरी वाली रैली हुई थी ना, उसका ये इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है अभी। कहीं ना कहीं ये बात जान लीजिए कि चिराग पासवान जी ने ये बात को समझ लिया है कि लहर अब उल्टी आ चुकी है, अब एनडीए सरकार जाएगी और तेजस्वी यहाँ पे सरकार बनाएंगे और आरजेडी लोकसभा में आगे जाने वाली है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।